हेलो फ्रेंड्स, दिस इज समीर खोकर। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में। फ्रेंड, जैसे कुछ दिन पहले मैंने एक चीज़ स्टार्ट की थी कि मैं पुरानी मूवीज़, स्पेशली साउथ की काफ़ी मूवीज़ जो मैंने नहीं देखी थी, वो देख के और उसके बाद मैंने रिव्यू स्टार्ट किया था। जैसे मुफ्ती मूवी का मैंने रिव्यू किया था, मक्खी मूवी का किया था, इसके अलावा पाकिस्तानी मैंने रामचंद पाकिस्तानी का रिव्यू किया था। बॉलीवुड की कुछ क्लासिक मूवीज़ का भी जल्द मैं रिव्यू करूँगा, जैसे कि छोटी सी बात है, काफ़ी अच्छी मूवी है, अमोल पालेकर जी की मूवी है, 80s के टाइम की है वो। उस मूवी को मैं जल्द रिव्यू करूंगा, मैंने 8-10 बार वो मूवी देखी है। बहरहाल, आते हैं अपने आज के टॉपिक पे। तो आज मैं रिव्यू करूंगा मूवी जो है मास्टरपीस, जो कि कनाडा सैंडलवुड की एक मूवी है। और मूवी की जो अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो मंजू मंदाविया ने इसकी जो है डायरेक्शन दी है। बाकी अगर कास्ट की बात की जाए तो इसमें जो है रॉकिंग स्टार यश सर इसमें है, उसके अलावा जो शानवी श्रीवास्तव है, उसके अलावा अगर दूसरी कास्ट की बात की जाए इसमें कॉमेडियन बड़े ज़बरदस्त है, चिकाना वो आपको नज़र आएंगे, रविशंकर हैं इसमें, सुहासिनी मणिरत्नम है। अच्छा, मूवी की जैसे कि मैंने जो इससे पहले यश सर की KGF देखी थी, 2 बार देखी थी मैंने, उसके बाद जो है मैंने इनकी जो है गूगली देखी है। ये 3rd मूवी है यश सर की जो मैंने देखी है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी ज़बरदस्त मूवी है। और इसकी स्टोरी बेसिकली इस तरह है कि यश सर जो इसमें एक रॉडी टाइप के इंसान है, एक मतलब के सरफरा इंसान है, जो अपने तरीके से पैसा कमाना चाह रहा है, अपने तरीके से ऊपर जाना चाह रहा है। मतलब उसमें कोई थोड़ा सा गलत रास्ता भी वो अपनाए तो उसको मतलब लगता है कि ये रास्ता कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह ये स्टोरी है। और फिर मतलब जो स्टार्टिंग होती है, इनकी मदर हैं, इनकी सिस्टर है और उनका एक बेटा भी है, ये फैमिली इनकी, लेकिन इनकी जो मदर और इनकी सिस्टर इनको लाइक नहीं करती क्योंकि इनकी एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी रही हैं, तो उसकी वजह से वो इनसे नाराज़ रहते हैं। इंटरव्यू एक टीवी चैनल को देते हुए वो बताती हैं कि मेरा बेटा किस तरह बड़ा हुआ, मैं उसको किस तरह भगत सिंह की स्टोरी सुनाया करती थी और मैं चाहती थी वो भी इस तरह कोई फ्रीडम फाइटर बने, मतलब इस तरह का कोई सोशल एक्टिविटीज़ करे या कुछ मतलब नाम करे कंट्री का, लेकिन वो जो है थोड़ा गलत रास्ते पर चल रहा है। और मतलब वो इतनी हद तक कभी उसमें कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि पुलिस जो उसका इनकाउंटर कर दे, हमारी उससे जान छूट जाए। तो इस तरह ये स्टोरी है। फिर कॉलेज का भी सीन उसमें आता है कि चिकाना जो है उनको जो है यूनियन लीडर व यूनियन के जो उसके लिए इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, और उनको जो यश जो युवा, इनमें जो कैरेक्टर का नाम है इनके युवा, और चिकाना जो है ब्रूसली के नाम से इनका कैरेक्टर, तो ये ब्रूसली जो इनके पास आते हैं ये बोलते हैं कि आपको जो है मैं सपोर्ट करूँगा, आप इलेक्शन जीत जाओगे, लेकिन बीच में कहीं ब्रूसली को ऐसा लगता है कि शायद ये ना जीत सके, लेकिन यश कहते हैं कि भाई आपको मैं जिता के ही रहूँगा। तो इस तरह स्टोरी आगे बढ़ती है। फिर इसमें एक डॉन है जो माफिया डॉन है, मतलब ड्रग स्मगलर कह लें या ड्रग जो माफिया है उसके डॉन है, रविशंकर ने जो है ये कैरेक्टर किया है, वो आपको देखने को मिलेंगे। और फिर इस तरह एक आपको जो है पॉलिटिशियन भी नज़र आएंगे नूर अहमद के नाम से, जिनको ये यश सर सपोर्ट करते हैं, ब्रूसली और ये मतलब चिकाना मिलके जो है उनकी हेल्प करते हैं उनको जिताने के लिए, और उनको यूज़ करना होता है ज़ाहिर है उनसे अपने मफादात लेने। तो इस तरह स्टोरी है, मैं ज़्यादा अब रिवील नहीं करता हूँ, काफ़ी चीज़ें मैंने बता दी। तो ओवरऑल मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी अच्छी मूवी है। और क्या नाम है, यस सर बिल्कुल जो रॉडी एक नज़र आते हैं, बिल्कुल एंग्री यंग मैन, और जिस तरह इनका कैरेक्टर है वो है बिल्कुल। और फिर शानवी श्रीवास्तव जो है इसमें, उनके साथ इनका थोड़ा सा लव वाला भी वो भी आपको एंगल नज़र आएगा, इस तरह उनकी जो थोड़ी बहुत मतलब वो भी आपको चीज़ें नज़र आएंगी, प्यार मोहब्बत और ये सब। तो काफ़ी अच्छी मूवी लगी यश सर की एक्टिंग की, तो क्या ही बात है उनकी एक्टिंग के लिए, मैं क्या कहूँ कि मतलब कैरेक्टर के हिसाब से बात कर सकते हैं, बाकी एक्टिंग की तो कोई बात इसमें होती नहीं है, उनके मतलब जो लेवल है। तो कैरेक्टर उन्होंने काफ़ी अच्छा, उनका कैरेक्टर है और काफ़ी ज़बरदस्त कैरेक्टर है, आखिर में कुछ अच्छा मैसेज भी है। तो आप पूरी मूवी देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। शानवी की भी एक्टिंग काफ़ी अच्छी लगी, इससे पहले जो है शानवी को मैं मक्खी मूवी में मैंने देखा था, तो वहाँ मुझे इनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी लगी थी। उसके बाद 2nd मूवी इनकी मैंने देखी है, तो काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं, काफ़ी इनकी एक्टिंग में भी दम है और काफ़ी मतलब नेचुरल एक्ट करती हैं, बिल्कुल आपको फील नहीं होता कि कोई मतलब बनावटी मुझे इनकी जो पर्सनैलिटी में या इनकी एक्टिंग में ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। तो ओवरऑल इनकी भी काफ़ी एक्टिंग अच्छी लगी। उसके अलावा इनके जो मदर का रोल कर रही हैं सुहासिनी मणिरत्नम, उनकी भी एक्टिंग काफ़ी ज़बरदस्त थी और काफ़ी मतलब उनके भी जो कुछ सीन्स थे उनमें, जैसे इंटरव्यू में स्टार्ट में, क्योंकि स्टार्ट में इंटरव्यू दे रही होती हैं और अपने बेटे की बात करती हैं और सब कुछ, तो वो काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा जो रविशंकर हैं उनका, या नूर अहमद जो हैं पॉलिटिशियन हैं, तो उनके ओवरऑल मतलब सबकी एक्टिंग वगैरह अच्छी थी। उसके अलावा म्यूज़िक वगैरह भी इसमें काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बैकग्राउंड म्यूज़िक वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। चिकाना की कॉमेडी वगैरह काफ़ी अच्छी है, वो थोड़ा 4 चांद लगा देती है इसको। हालांकि मैंने इनकी मुफ्ती मूवी देखी थी, उसमें मुझे इनका कैरेक्टर इतना खास नहीं लगा था, लेकिन इस मूवी में मुझे चिकाना की एक्टिंग काफ़ी मतलब कॉमेडी जो है अच्छी लगी। मतलब है तो अच्छे एक्टर हैं, अच्छे कॉमेडियन हैं, लेकिन वो रोल इनका इतना कोई खास नहीं था, लेकिन इसमें रोल इनका काफ़ी अच्छा है। थ्रू आउट द मूवी आपको ये नज़र आएंगे युवा के साथ, यानी कि यश सर के साथ।
तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी मूवी है, म्यूज़िक भी काफ़ी अच्छा है, सिनेमेटोग्राफी वगैरह सब मतलब ओवरऑल काफ़ी इसका अच्छे लेवल पे ये शूट की गई है। तो मूवी के हिसाब से मैं ये कहूँगा कि मेरे हिसाब से इस मूवी को जो है 4 स्टार देना चाहूँगा, 5 में से 4 स्टार मैं इसको देना चाहूँगा। और ये कह सकते हैं कि ये 2 दफ़ा भी देखी जा सकती है मेरे ख्याल में, 1 दफ़ा या 2 दफ़ा भी आप इसको देख सकते हैं, इतनी बोर आपको नहीं करेगी। मतलब 1 दफ़ा के बाद दूसरी दफ़ा भी ये देखी जा सकती है, 1 टाइम वॉच नहीं है कि सिर्फ 1 टाइम वॉच। तो ओवरऑल अच्छी मूवी थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी, ज़बरदस्त है कि आप लोगों को रेकमेंड करूँगा। अगर आप लोग ने नहीं देखी तो आप ज़रूर देखना, यूट्यूब पर जो है डबिंग में भी अवेलेबल है, हिंदी में ये अवेलेबल है। और आप लोग के अगर पुरानी मूवीज़ ये वो तो भाई साइड बाय साइड, जब तक बीच में कोई अगर मूवी नहीं होगी तो मैं इसका रिव्यू इस तरह की जो मूवीज़ का करता रहूँगा। नेक्स्ट अब मेरी कोशिश होगी कि छोटी सी बात मूवी जो उसका मैं जल्द रिव्यू करूँ, वो काफ़ी अच्छी मूवी है। अगर आप लोग ने किसी ने नहीं देखी तो आप लोग ज़रूर देखना, जैसे गोलमाल जो है अमोल पालेकर सर की पुरानी मूवी है, इसी तरह ये भी बड़ी क्लासिक और ज़बरदस्त मूवी है। तो एक बार मैं आपको कहता हूँ कि ज़रूर मेरे कहने पे आप लोग ज़रूर देखिए अगर आपने नहीं देखी। उसके अलावा कुछ पाकिस्तानी मूवीज़ हैं, बोल हो गई, दुख्तर हो गया और कुछ इस तरह की मूवीज़ हैं, उनका भी जल्द रिव्यू करूँगा। बाकी कहना चाहूँगा कि भाई फेस्टिवल वगैरह जैसे हिंदू फेस्टिवल होते हैं, अभी मैंने रिसेंट एक दो वीडियोज़ बनाई थी तो वो मैं साइड बाई साइड कवर करता रहूँगा, मैं पहले भी करता रहूँ। बाकी प्रॉपर मेरा चैनल रिव्यू का है तो उस चीज़ पे मेरा ज़्यादा फोकस रहता है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि आउटडोर की भी चीज़ें ज़रूर करूँ, सिर्फ घर पे बैठ के मैं जो है बैकग्राउंड इस पे बैठ के वीडियोस ना बनाऊँ। सिनेमा भी जाता हूँ, कैप्री सिनेमा में जाता हूँ, तो अभी रिसेंट कोई ऐसी खास मूवी आई नहीं है, पाकिस्तानी मूवीज़ भी नहीं कोई रिलीज़ हुई। एंजल हैज़ फॉलन रिलीज़ हुई थी लेकिन इतना ज़्यादा कोई हाइप नहीं थी पब्लिक में भी, इसलिए मैंने भी उसका जो है पब्लिक रिव्यू नहीं किया। लेकिन अपकमिंग अभी जो एक आध कोई मूवी आएगी, जैसे कि लास्ट ब्लड आएगी, और इसके अलावा जो है बॉलीवुड की एक दो मूवीज़ हैं उसकी, सॉरी हॉलीवुड की मूवीज़ हैं, तो उसका रिव्यू करेंगे। बाकी साहो जो है वो यहाँ रिलीज़ तो नहीं होगी, लेकिन अगर मौका मिला कहीं देखने का तो उसका भी रिव्यू कर लेंगे। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगेगी, मिलते हैं अगली वीडियो में।